झुलसा देने वाली गर्मी के बीच आखिरकार आज मानसून केरल पहुंच गया, वो भी इस बार 1 जून से 3 दिन पहले। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मानसून आने की आधिकारिक घोषणा की है। अब अगले 24 घंटे के मानसून के केरल में छाने की उम्मीद है। आज केरल सहित दक्षिण के तटवर्ती इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। इस बारे में मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अगले 24 घंटे में केरल के कुछ भागों में तेज बारिश होगी, जबकि तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के बाकी भागों में तेज बारिश के आसार हैं। हालांकि मौसम विभाग ने इस बार देश में सामान्य मानसून का अनुमान जाहिर किया है, साथ ही जून में देश के 80% इलाके में मानसून के छा जाने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार समय से पहले मानसून आने का असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी दिखता है, क्योंकि देश की आधे से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। खरीफ की फसल गन्ना, जूट, धान आदि एडवांस मानसून से खिल उठती है, इससे महंगाई दर में भी कमी आती है। इस बार अनुमान है कि 97 से 100% तक बारिश अच्छी आ सकती है। मध्य और उत्तरी राज्यों में तो 15 से 20 दिन में अच्छी प्री मानसून बारिश हो सकती है। वहीं मुंबई में 5 से 6 जून तक मानसून के पहुंचने की संभावना है। जुलाई और अगस्त में मध्य भारत में बारिश होगी।